शिक्षा विद के हाथों परवरिश पाए जगदीश टाइटलर ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए पुरजोर कोशिशें की। टेंट के नीचे चलने वाले स्कूलों को बिल्डिंग देने का काम उनके प्रयासों से ही हो सका। ये सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, उन बच्चों के भविष्य का मंदिर भी बन रहा है जहां वे अपने सपनों को बुनियाद दे सकेंगे। ये स्कूल ही बन रहा है, ये वही बनवा रहे हैं यहाँ पे। पहले टेंट में था ये, अब पक्का बनवा रहे हैं। हमें यहाँ 25 साल हो गए आते हुए, जब टेंट बना था, यहाँ टेंट थे पहले, ये टेंट के भी पक्का बनाए इन्होंने, शेड डाले इन्होंने, उसके बाद ये अब डबल स्टोरी बन रहा है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि टाइटलर ने इमारतें तो खड़ी करवा दी, लेकिन शिक्षा स्तर सुधारने की दिशा में प्रयास नाकाफी रहे। स्टाफ नहीं है, टीचरों की कमी है। हमने कहा भी टीचरों की कमी तो मंगाओ, हम जो है ना प्रशासन को चला रही है कॉलोनी, हमारे ऊपर तक वो है, हमें बताओ। लेकिन स्कूल वालों ने या प्रिंसिपल ने कोई वो नहीं दिया। तो आपने सांसद जी से जाके ये बात कही? हाँ, कहा। नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि जगदीश टाइटलर अपनी कोशिशों से मुतमईन नजर आते हैं। फॉर एजुकेशन फैसिलिटी, व्हाट इज योर प्लान इन योर एरिया? सी, इफ यू लुक एट, आई थिंक देयर इज हार्डली एनी स्कूल इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच डजंट हैव अ बिल्डिंग, एंड व्हेरेवर देयर हैज बीन अ गवर्नमेंट, बिकॉज़ व्हाट यू कैन डू इज ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड आई थिंक द स्टैंडर्ड हैज इंप्रूव्ड ऑल ओवर, एंड आई थिंक टीचर्स आर आल्सो अवेयर एंड द पेरेंट्स आर अवेयर। पिछले 3 साल से हमने रियलाइज करा है कि सब बैकवर्ड में, चाहे सब सेंट्रल स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नॉट ऑन द टॉप। सो दिस इज अ चेंज विच हैज कम, दैट कि प्रॉपर फैसिलिटीज गरीब बच्चे को दोगे तो अमीर अमीर के बच्चे से भी ज्यादा पढ़ के आगे आएगा। सदर संसदीय इलाके के नेहरू विहार में जगदीश टाइटलर ने शरणार्थियों को आश्रय दिलवाया था। इन लोगों की किस्मत साथ दिया और यहाँ की जगह के दाम अब आसमान छू रहे हैं। हालांकि अब यहां अवैध निर्माण भी समस्या बनकर उभर रहा है, टाइटलर भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। अगर थोड़ा हम डिमोलिशन की तरफ जाएं, नेहरू विहार में जो अनऑथराइज्ड हैं, उनको तो कोई, नेहरू विहार इज ए कॉलोनी विच आई क्रिएटेड, और ये वो लोग हैं जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए थे। नेहरू विहार यहाँ दलदल थी, जो 500 रुपए में प्लॉट दिलाया, कैन इमेजिन, वो भी 3 साल के इंस्टॉलमेंट, इनको मैंने दिलाए और इसका कोई नक्शा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किसने कह दी? इस इलाके में कचरे से बिजली उत्पादन का प्लांट तो लगा दिया गया, लेकिन प्रशासनिक प्रबंधन की लचरता के कारण यह योजना ठप हो गई। ने उसको दोबारा से शुरू कराने के लिए गवर्नमेंट से इसके बारे में कहा है, इसके लिए उन्होंने कोई एक एजेंसी नियुक्त की है, तिमारपुर की और नेहरू विहार की एसोसिएशन जो है उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने इस 25 तारीख को एक वहाँ राउंड रखा है कि वहाँ किस वजह से ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिसमें कि उसके चालू होने से रोजगार भी मिलेगा और इससे जो फायदा हो सकता है। जन प्रतिनिधि इसे दोबारा चालू करने की बात करते हैं, वहीं सांसद जी इस परियोजना से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। No, it is nothing to do with me. I never thought of it. जन प्रतिनिधि अगर समस्याओं से किनारा करने लगे तो इन्हें सुलझाएगा कौन? जगदीश टाइटलर मूलभूत समस्याओं की लड़ाई के मंच पर कुछ पीछे हट जाते हैं। जनता को ये भी शिकायत है अपने नेता से कि वो उन्हें सिर्फ वोटर मानते हैं, अपनी रियाया नहीं। कमला नगर, शास्त्री नगर, किंग्सवे कैंप और सदर बाजार ऐसे इलाके हैं जहां के बाशिंदे जगदीश टाइटलर से काफी उम्मीदें रखते हैं, मगर उनकी समस्याएं अब तक दूर नहीं हुई हैं। मैंने यहाँ टाइटलर साहब के कभी दर्शन नहीं किए, एक चीज। दूसरी, यहाँ सीवर की इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम है कि यहाँ अगर 2 दिन भी यहाँ कोई रह के दिखा दे तो मैं उसे मान जाऊँ। नलकों के अंदर सीवर का पानी आ रहा था, उसके बाद में उन्होंने कह के कि हम यहाँ पे लाइन चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई लाइन नहीं चेंज की। डाकखाना है या कोई बारात घर हो, ऐसे कोई फैसिलिटी है नहीं, यहाँ पर सबको दिक्कत पड़ती है। 2 साल पहले कॉरपोरेशन ने इसको ऑर्नामेंट पार्क किया था और आज तक जो है ना इसमें ना कभी कोई सफाई हुई है, कभी ना पानी दिया गया, ना इसमें कोई इसकी कोई इसमें कुछ पैसा लगाया गया इसके ऊपर। ये काफ़ी देखो, काफ़ी मार्केट है और यहाँ पे सब मेंबर भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे आपकी दुकानदारी में फर्क भी पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, व्यापारी आते नहीं है, नाक बंद कर लेते, पानी भरा होता है, कीचड़ बढ़ती है। कमला नगर में सड़कें बनी है और उन सड़कों की 1 महीने के अंदर ये हालत है कि उनमें सारा कम से कम मेरे ख्याल से 1 या 1.5 इंच का इन्होंने रूढ़ी डाली है, जबकि 3 या 4 इंच का इनका पास हुआ था, वो सारी सड़कें बराबर हो चुकी हैं अभी। हालांकि जगदीश टाइटलर मानते हैं कि उनके दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हैं।
एक आम आदमी अगर वो अपने सांसद तक पहुंचना चाहता है किसी समस्या को लेकर, उम्मीदें लोगों की होती है अपने सांसद से, तो कैसे पहुंचे? ओ, मेरा घर तो खुला है, आप कभी आइए, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक, ऑल द टाइम। किसी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी पार्लियामेंट जैसे चला जाता, मेरा ऑफिस घर में चिट्ठियाँ बनेंगी, टेलीफोन कॉल होगी, और तकरीबन मैंने कोशिश ये करी है अपनी ज़िंदगी में कि कभी गलत काम में कभी नहीं पड़ा। उनके घर पे जा, वो कहते हैं मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्षेत्र के लोगों के लिए टाइम नहीं है। सदर बाजार इलाके की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन सांसद इसे अपनी सीमा से बाहर बताते हैं। यही इस इलाके का दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है, फिर भी वो समस्याएं स्वीकार करते हैं और कोशिशें भी गिनवाते हैं। सदर बाजार एक इलाका है, पॉपुलर मार्केट है, लेकिन हालत वहाँ की खस्ता हाल है। अब ये ऐसी बात है कि सदर बाजार के दो हिस्से हैं, एक चांदनी चौक में पड़ता है, पहाड़ी धीरज मेरे क्षेत्र का, ओ सदर बाजार इज नॉट मेरा हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी का, बिल्कुल अलहदा है ना पहाड़ी धीरज का लेफ्ट हैंड साइड, ईदगाह मेरी तरफ नहीं है, क्लीनलीनेस उसका जो गंदगी है वहां पर। सो जनरली आई मीन इफ यू लुक एट दिस, बट अगेन आई वुड से आई डोंट वांट टू से कि मेरे एरिया में कहीं गंदगी नहीं है, हो सकती है, बट वी ट्राई टू कीप इट एज पॉसिबल कि जितना सफाई का, अब तो सुना प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे सदर क्षेत्र में बिजली चोरी की गंभीर समस्या है, लेकिन टाइटलर का मानना है कि अब बिजली निजी हाथों में है, इसलिए इसे रोकने के प्रयास भी कंपनी प्रबंधन को ही करने चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है बिजली चोरी की, वो कैसे निपटना चाहेंगे आप? अब निपटने हम कैसे निपटेंगे? आई कैन नॉट, दिस गोज अगेंस्ट द पीपल, मैं कैसे इस बात का जवाब दूं? लेकिन लोग एक उम्मीद करते हैं कि सांसद हमारी कोई मदद करेगा, मतलब क्या कैसे नहीं, देखो एक ऐसे है, वहाँ की है जो दिल्ली में क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर काफी हद तक ये कहीं ना कहीं चोरियां होती हैं, कई लोग डायरेक्ट कई सारी दिल्ली का बाइट एक सदर की बात क्यों कर रहे हैं, कई इलाके। अब ये तो जो प्राइवेटाइज कर दिया है, इस प्राइवेट कंपनियों को देखना है क्या करते हैं क्या नहीं। मैं कैसे जाके कहूँगी पकड़ो किसी को, ना पकड़ो जाके। ये जो दिल्ली में बिजली महंगी हो रही है उसका कारण ये है कि बिजली की चोरी हो रही है जी। अगर बिजली की चोरी रुकती तो बिजली महंगी नहीं होती जी, यही तो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये कहते हैं कि बिजली के अंदर पूरी सप्लाई जितनी लोगों को चाहिए उतनी है नहीं जी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन से जो लाभ होने चाहिए थे उनमें से कोई भी लाभ नहीं हुआ है। बिजली चोरी होती है उसकी जो हरजाना है ना वो आम नागरिक को भरना पड़ता है उसको। इनकी NDPL की टीम है, 20-25 लोगों की टीम आती है, लोगों को डरा के धमका के सारे मीटर जबरदस्ती बदल रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि नहीं बदल सकते। बतौर सांसद टाइटलर जन समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और न ही जनता की उम्मीदों को नकार सकते हैं, इसलिए बहुत कुछ करना बाकी है और जरूरी भी। कांग्रेस में सियासत की बुलंदियां हासिल करने वाले जगदीश टाइटलर और दिल्ली के निजाम मुख्यमंत्री के बीच जारी है तल्खियां। अवैध निर्माण ने किस कदर इन तल्खियों को बढ़ाया है, देखेंगे हम एक ब्रेक के बाद।